मुझे अंदाजा नहीं था इतने घटिया और बेहुदा लोग हैं। ओ कम ऑन नोसी, डोंट बी सो अनरीजनेबल। डील हो चुकी थी तुम्हारी, मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर के सारे डॉक्यूमेंट्स बनाकर साइन करवा लिए थे। ऐसा भी कुछ किया क्या था उस लड़के ने कि लड़की ने उसको थप्पड़ दे मारा? तुम्हें कैसे पता? नोसी, अगर तुम्हें लग रहा था कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है तो तुम लड़के को मना कर देती, हटा देती लड़की को उसको वहां से। यूं भी आजकल तुम इन तमाम बेचारी औरतों की महाफिज बनी हो। मैं उस लड़के को सिर्फ मना कर सकती थी, थप्पड़ नहीं मार सकती थी। And he deserved nothing less than a thappad. Listen, नोसी, वो हमारे क्लाइंट्स हैं, okay? उनको लगता है कि उनकी इंसल्ट हुई है। लड़के ने तो उसको हाथ तक नहीं लगाया था यार। इसलिए कि थप्पड़ पड़ गया था, वरना लगा देता हाथ। इत्तेफाक से हो गया होगा नोसी। हम कब से हैं इस बिजनेस में यार? कभी हुआ है ऐसा तुम्हारे साथ? नहीं ना? तुम्हें क्या पता? छुआ ही तो था। It was just a gesture. देख रहा था, घूर नहीं रहा। He was just being friendly. अरे गलत फहमी है तुम्हें। Don't think like that. इत्तेफाक से ऐसा तो हो ही जाता है। तुमने मुझको क्यों नहीं बताया नोसी? इसलिए कि तुम्हारा बिजनेस खराब हो जाता, तुम्हारी डील्स खत्म हो जाती, रिपुटेशन खराब हो जाती। इत्तेफाक से इतना तो चलता ही है ना काम। मैं उसके क्या हिफाजत करूं? वो लावारिस लड़की मुहाफिज है, लेकिन अब इत्तेफाकिया तंग करने की गुंजाइश नहीं। थप्पड़ पड़ा है ना, आगे हड्डियां भी टूटेंगी। सोच लो, पार्टनरशिप खत्म करनी है तो कर देना। नो हार्ड फीलिंग्स। देखिए वर्किंग वुमेन बुध रात 9 बजे क्योंकि मैं ग्रीन हूं।